फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 28 क्वेश्चंस की, वो भी कि हिंदी में, बिकॉज यहाँ से जो है आपके सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो या फिर रेलवे का एग्जाम हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए अगर आपका कोई भी एग्जाम आने वाले टाइम में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कोशिका जिसे हम इंग्लिश में सेल बोलते हैं, उनका नाम किस जैव वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक ने। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रीओल। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपको जिस भी किसी भी टॉपिक के वीडियो चाहिए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि आपको इस टॉपिक की वीडियो चाहिए। हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी डिमांड्स यहाँ पे पूरी की जाए। फिर यहाँ पे कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस हम किसे कहते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम में। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है इन चारों ऑप्शंस में से? ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिड। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति कहलाता है। फिर कह रहा है यहाँ पे, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? जो कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है बहुत ही महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिका, उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, अंतःप्रद्रव्यी जालिका। फिर कह रहा है यहाँ पे, अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः किस चीज में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, जड़ों की कोशिकाओं में ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। फिर कह रहा है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोप्लास्ट। आप देखते होंगे कोई फ्लावर जो होता है आपका रेड होता है, कोई ऑरेंज होता है, फिर कोई इसी तरीके से कलर सारे फ्लावर्स के अलग अलग होते हैं, उसके बीज के अलग अलग होते हैं, तो ये कलर कौन प्रदान करता है? तो क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे, पत्तियों का हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो यह भी जो है ऑप्शन नंबर बी, ये जो है क्लोरोप्लास्ट के साथ चला जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, अगर हम बात करते हैं फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग की तो वो है क्रोमोप्लास्ट, बट जैसे ही हम बात करें पत्तियों के हरा रंग प्रदान करेगी तो यह है क्लोरोप्लास्ट। फिर कह रहा है, कोशिका की आत्महत्या की थैली हम किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम को, बैग ऑफ सुसाइड भी इसे आप कह सकते हैं। फिर कह रहा है, किसकी उत्पत्ति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। फिर कह रहा है, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, स्रावी। फिर कह रहा है, कौन सा कोशिकांग DNA रखता है इन चारों ऑप्शंस में? तो ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया जो है DNA रखता है। फिर कह रहा है यहाँ पे, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल जो होती है वो कैसी होती है? तो वह जो है पारगम में होती है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला गया। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वरण बलन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में से किसमें अनुपस्थित होता है इन चारों ऑप्शंस में से? तो यह जो है जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहे, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर सी, हक्सले का। DNA हेलिक्स का प्रारूप प्रस्तुत किसने किया था इन चारों ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन नंबर बी, वाटसन तथा क्रिक ने इसका प्रारूप यानी मॉडल प्रस्तुत किया था। फिर कह रहा है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक के द्वारा। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम शब्द सबसे पहले किसने प्रदान किया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, वाल्डेयर ने। अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज किसने की? तो ऑप्शन नंबर बी, पोर्टर ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए, नॉल तथा रस्का ने। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है इन चारों ऑप्शंस की अगर बात करते हैं? तो यह जो है जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर ए। फिर कह रहा है, सर्वाधिक संख्या 2N में गुणसूत्र
किस में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, ऑफियोग्लोसस में। जीवन का भौतिक आधार क्या होता है इन चारों ऑप्शंस में से? तो करेक्ट आंसर इज प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए, माइकोप्लाज्मा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।